हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये जो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये उसका है सेकंड पार्ट। तो इसलिए हम मतलब अभी सब लोग खाना पीना मैंने रेडी कर लिया है सब कुछ। तो अभी मम्मी भी आ गए थे शॉप से, उसके बाद सब लोग आ गए हैं। तो अभी हम लोग बस केक काटेंगे। हमें मासी जी का वेट कर रहे थे क्योंकि वो पढ़ रहे थे अवतार वाणी अभी, तो उनको लग रहा था थोड़ा टाइम, तो उन्हीं का वेट करने के लिए हम सब लोग बैठे थे। और बच्चे बच्चे तब तक खेल रहे थे और सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, गप्पे मार रहे थे सब लोग। तो अभी सब लोग बैठ के मार रहे हैं गप्पे और मासी जी भी आ गए थे और नानी जी भी आ गए थे साथ में। तो अभी हम लोग काटेंगे केक क्योंकि इन्हीं का वेट कर रहे थे। हम सब कुछ रेडी था काफ़ी टाइम से, तो अभी हम लोग काट लेते हैं केक। बच्चे तो काफ़ी देर से मतलब एकदम एक्साइटेड हुए पड़े थे। हम केक फ्रिज में रखा था तो बाहर नहीं निकाला था क्योंकि इसी के आसपास में बार बार बच्चे घूम ही जा रहे थे। तो काफ़ी लोग काफ़ी हंस खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे एक दूसरे से। तो अभी काट लेते हैं केक। और आप लोग भी वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि आज वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। लास्ट तक बहुत इंजॉय किया था सब ने। तो अभी आ गए केक काटने के लिए मम्मी और मासी जी हैं साथ में, तो अभी सब लोग काट लेते हैं केक। तो फाइनली सारी तैयारियां हो गई हैं। अभी मैं जला रही हूँ कैंडल्स, तो अभी इसके बाद काटेंगे केक और बाकी सब लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं आपस में। तो अभी हम सब लोग केक काट लेते हैं। अभी भी बने रहें और आ जाइए आप सब भी। बहुत प्यारा सा केक था, छोटा सा बहुत प्यारा सा था। और अभी मैंने सारी कैंडल्स जला दी हैं और सब बोल रहे थे कि कैप लगाओ कैप, तो जो मेरे पास थी वो छोटी थी पर एक बड़ी कैप भी थी, उसकी बच्चों ने रबड़ तोड़ दी थी तो फिर बिना रबड़ के ऐसे ही लगाया। तो नानी जी भी आ गए हैं। तो अभी मैं लगा रही हूँ कैप। विहान बोल रहा था कि सब अभी बड़ों का बर्थडे है तो सारे बड़े बड़े ही कैप लगाएंगे, बच्चे कैप नहीं लगाएंगे। तो अभी मम्मी को लगा दी कैप और एक भैया ने उठा के पापा जी को भी दे दी, बोले आप भी लगाओ। और बड़ा मज़ा आया सच में, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने मिलकर। तो अभी कभी भी बैठ गया है साथ में केक काटने के लिए। तो और बाकी सब लोग कर रहे हैं इन्जॉय, बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। बच्चों के लिए तो केक ही सब कुछ होता है बर्थडे पार्टी में। तो अभी कर रहते हैं सिमरन और बोलो सतगुरु माता सीता सुंदर हरे जी।
आरती आरती थोड़ा तो केक कटिंग हो गया है और उसके बाद दे रहे हैं गिफ्ट, जो जो कोई लाया था वो सब दे रहे हैं, तो अभी भी बिजी दे रहे हैं। और बस ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था, बच्चों ने बहुत मजाक किया, बहुत मतलब इन्जॉय कर रहे थे। देखो विहान बहुत शरारती है, मतलब हटता नहीं है, बिना बात के ना सबको वो कर देता है, मतलब अपने पीछे लगा लेता है फिर शरारतों में। और अगर कभी ने ना भी करनी हो ना शरारत, तो विहान के पीछे लग के ज़रूर करने लग जाएगा वो भी शरारत। तो मैं इसको कब से बोल रही थी, बेटा आराम से बैठो आराम से बैठो। तो अभी सब लोग हंस रहे हैं और कर रहे हैं इंजॉय। तो अभी सबने केक खिला दिया था, अब हमारी बारी है, तो अभी हम दोनों खिलाएंगे केक और देंगे गिफ्ट जो हम लेके आए थे। तो अभी हमने रिवील नहीं किया था, बट अभी हम ही बता देते हैं कि मम्मी को रिंग पसंद थी, काफ़ी टाइम से मेरी भाभी ने पहनी थी, तो मम्मी को वैसी सी रिंग बहुत पसंद थी। मासी जी के पास भी सेम वैसी रिंग है, तो पहले भी एक रिंग लिया था, तो उनको वो बोल रहे थे कि मुझे ना मतलब यही वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों ने बहुत ढूंढ के वही वाला डिज़ाइन मार्केट से उस दिन ले कर आए थे, तो काफ़ी ढूंढने के बाद वो हमें मिल गई थी। तो फिर हम बस ऐसे ही फ़न कर रहे थे, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा आप पहनाओ, अभी एंगेजमेंट भी हो जाएगी साथ में, और हंस रहे थे पापा, बोले नहीं नहीं तुम ही पहना दो। और फिर मैंने बोला नहीं आप पहनाओ, पहले एंगेजमेंट नहीं हुई थी तो अभी एंगेजमेंट भी हो जाएगी साथ के साथ। तो फिर अभी पहना रहे हैं रिंग और हंस रहे हैं सब लोग। ये देखो एंगेजमेंट के लिए बज रही हैं तालियाँ, और बहुत इंजॉय किया सच में, बहुत अच्छा लगा, और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। बच्चों तो मतलब बर्थडे का नाम सुन के ही खुश हो जाते हैं। तो अभी मासी जी खिला रहे हैं केक मम्मी को, और साथ में भैया कर रहे हैं पिक क्लिक। मैंने बोला था उनको, मैंने कहा थोड़ी सी पिक क्लिक कर लेना, क्योंकि मेरा फ़ोन हो चुका था डेड, तो एक फोन से बन गई थी वीडियो। तो अभी आ रहे हैं, ये भी हमारे साथ में रहते हैं, तो ये भी खिला रहे हैं केक मम्मी को, और साथ में बैठे हैं नानी जी। अभी सब लोग कर रहे हैं इंजॉय। लो चलो चलो भाई, तो सचिन भैया हैं, शालू दीदी हैं, हमारे घर के सामने रहते हैं, तो मतलब हमारे पड़ोस में है, सिर्फ कहने के लिए पड़ोस है, बट फैमिली जैसे रिलेशन है सबके साथ में। तो अभी ये सब लोग खिला रहे हैं केक, इसके बाद हम केक बाकी का जो केक बचा उसको सर्व कर देंगे। और मैं चली गई थी किचन में, मुझे खाना वगैरह की तैयारी करनी थी, जो मतलब मैंने बनाया था खाना, तो मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ बना के रख लिया था। तो हम लोग बस खाना ये हो रहा है खाना सब, तो मैं ला रही थी अंदर से सारा सामान वगैरह, और खाना मतलब बहुत अच्छा लगा। सब लोग ऐसे मिल बैठ के खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पहले हमारे घर में ऐसे मतलब सत्संग वगैरह करते थे हम लोग, महीने में एक बार सत्संग होता था हमारे घर में, तो बहुत अच्छा लगता था जब सब लोग आते थे हम लोग, मतलब एक बहुत अच्छा लगता था। अभी ना कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो रखा है, तो ऐसे छोटे मोटे जो मोमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि ना एक जो बोरियत सी हो जाती है ना ज़िंदगी में, वो ख़त्म होती है ऐसे। और बहुत इंजॉय भी करते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी में,
तो इन छोटी छोटी खुशियों का सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। और तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग भी हर रोज़ मतलब जैसे होते हैं फंक्शंस वगैरह भी, अभी आप लोगों को पता है ये सब कुछ बंद है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।